बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर जॉब्स एमसीक्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का सिंध पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, और ये इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 25। इसके 25 वीडियोस का ये सीरीज़ था और इसमें तकरीबन 600 MCQs थे जो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुए हैं, और इसके लिंक्स, बाकी वीडियोस के लिंक्स जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इसके अलावा इसका PDF फाइल जो है, अगर आप इसके सारों की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो जल्द ही मैं अपने JobzMcqz यूट्यूब चैनल जो पेज है इस पर मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो आप वहाँ से जाके, और इसका एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है तो उसको भी ज्वाइन करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 586 को देखते हैं कि व्हेन PM इमरान खान वर्चुअली एड्रेसेस द 77 सेशन ऑफ UN एस्केप, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान अमली तौर पर अक्वामी मुत्तहिदा के ASCAP के 77वें इजलास से ख़िताब किया। ये कब किया था उन्होंने? ये 26 अप्रैल 2021 को किया था, और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि ये पहली मरतबा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है UN एस्केप सेशन से जो है खिताब किया। क्वेश्चन नंबर 587 को देखते हैं कि वेयर इज़ शेख अब्दुल कादिर जैलानी बरिड, यानी शेख अब्दुल कादिर जैलानी जो हैं कहाँ दफन हैं? ये बगदाद में दफन हैं, और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि शेख अब्दुल कादिर जैलानी को क्या कहा जाता था? मुहैद्दीन अबू मोहम्मद कहा जाता था, और शेख अब्दुल कादिर जैलानी जो है 23 मार्च 1978 को पैदा हुए गेलान प्रोविंस ईरान में, और इसके अलावा शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है 11 फरवरी 1166 को बगदाद में जो है इराक में फौत हुए। इसके अलावा शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कहां पर दफन किया गया? द होली शेख श्रेन ऑफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद इराक में इसका मज़ार है। क्वेश्चन नंबर 588 को देखते हैं कि विच एनिमल हैज़ द लार्जेस्ट ब्रेन, कौन सा जानवर सबसे बड़ा दिमाग रखता है? व्हील जो है सबसे बड़ा दिमाग रखता है, और ये दुनिया में सबसे बड़ा जानवर है। क्वेश्चन नंबर 599 को देखते हैं कि इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर टू एंड, दूसरा आलमी जंग किस साल ख़त्म हुआ? 1945 में ख़त्म हुआ। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, और शॉर्ट डिटेल इसकी तरह है कि ये जो है कब शुरू हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था, सॉरी ये वर्ल्ड वार टू है। वर्ल्ड वार वन जो है ये 1914 में शुरू हुआ और 1918 में ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 590 को देखते हैं कि विच प्रोविंस असेंबली एडॉप्ट्स रिजोल्यूशन ऑफ फेसबुक मोनेटाइजेशन, कौन सा सूबा कौन सा सूबा असेंबली फेसबुक के मोनेटाइजेशन पर करारदाद मंजूर करता किया है? ये KPK ने किया है, और ये किस लिए किया है? उन्होंने ये फैसला इसलिए किया है KPK गवर्नमेंट ने कि ये अच्छा स्टेप है कि फेसबुक मोनेटाइजेशन जो है यूज़र्स के लिए ऑन किया जाए, जिसकी वजह से ये जितनी भी यूथ हैं इससे फ़ायदा उठाएँ और इससे जो है पैसे कमा सकें। क्वेश्चन नंबर 591 को देखते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो डाइड इन एट, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ कितने साल में? वो इंतकाल हुई थी 65 साल की उम्र में, और इस टाइम हज़रत सल्लम की उम्र कितनी साल थी? 50 साल थी। क्वेश्चन नंबर और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत खदीजा बिन ख्वैलद वाज द फर्स्ट वाइफ एंड फर्स्ट फॉलोअर, ये हज़रत सल्लम की पहली बीवी थी और पहली फॉलोअर थी, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है कब पैदा हुई थी? 555 AD को सऊदी अरब में, और कब फौत हुई थी? 619 को मक्का सऊदी अरब में फौत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 592 को देखते हैं कि हाउ मेनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव, यानी मकड़ी की कितनी टांगे होती हैं? मकड़ी के 8 टांगे होती है। क्वेश्चन नंबर 593 को देखते हैं कि दामाने कोह इज़ लोकेटेड इन, दामाने कोह जो है कहां पर वाकिया है? ये इस्लामाबाद में वाकिया है, और शॉर्ट डिटेल इसकी तरह है कि दामाने कोह जो है ये सबसे दरमियान में है मरगल्ला में इस्लामाबाद में, और इसका मतलब है कि फूट हिल्स, ये जो है 2400 फीट जो है सी लेवल से ऊपर है और 500 फीट जो है इस्लामाबाद से ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 594 को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स AC टू DC इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिक डिवाइस जो DC को AC में तब्दील करता है उसको क्या कहते हैं? उसको रेक्टिफायर कहा जाता है। रेक्टिफायर जो होता है ये एक इलेक्ट्रिकल आला है जो अल्टरनेटिंग करंट यानी AC अल्टरनेटिंग करंट का अब्रिविएशन है, विच जो है प्रेडिकली रिवर्स डायरेक्शन और DC में कन्वर्ट करता है यानी डायरेक्ट करंट में।
क्वेश्चन नंबर 595 को देखते हैं कि हु इज़ द प्रेजेंट फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, मौजूदा वफाकी वजीर बरए इतलात कौन हैं? ये फवाद चौधरी हैं। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि ये कब अपॉइंट हुए थे, ये 16 अप्रैल 2021 को, और किसकी जगह पर? शिबली फराज की जगह पर। क्वेश्चन नंबर 596 को देखते हैं कि हु प्रपोज्ड आज़ान फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी किसने पहली बार आज़ान तजवीज़ किया था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तजवीज़ किया था। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट द कॉलिंग ऑफ आज़ान, लेटर थ्रू अ रिवेलेशन अल्लाह गिव परमिशन टू द प्रॉफिट सल्लम टू कॉल आउट द आज़ान। क्वेश्चन नंबर 597 को देखते हैं कि द एफल टावर कैन बी फाउंड इन विच यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन कैपिटल सिटी, यानी एफल टावर कहाँ पाया जाता है जो जिसमें यूरोपी दारुलहुकूमत है? ये जो है पेरिस में है। और शॉर्ट डिटेल इसकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 598 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ काराकुरम रेंज, काराकुरम हद की औसत ऊंचाई कितनी है? 7000 मीटर्स है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि काराकुरम माउंटेन रेंज जो है ये बॉर्डर्स में हैं चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में, और 15 माउंटेन्स इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 599 को देखते हैं कि लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स डेज, यानी खून के सुर्ख खुलियों की ज़िंदगी कितनी होती है? 120 डेज होती है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि लाइफ पेन जो होता है 120 डेज होता है, और ये कहाँ पर बनते हैं रेड ब्लड सेल? ये बोन मैरो में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 600 को देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर डेज ईयर्स ऑफ द बर्थ ऑफ प्रॉफिट अब्दुल मुतलिब डाइड, यानी रसूलुल्लाह सल्लम की विलादत के डेढ़ साल बाद अब्दुल मुतलिब का इंतकाल हुआ, 8 साल के बाद हुआ। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि अब्दुल मुतलिब शैबा इब्ने हिशाम वाज द ग्रैंड फादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुतलिब बरन आन 480 यसरब में पैदा हुए, जो मदीना का पुराना नाम था। अब्दुल मुतलिब डाइड अप्रैल 571 ईडी, जो मक्का में है। और शॉर्ट डिटेल अब्दुल मुतलिब जो है कहाँ पर? जन्नतुल मौला यानी मक्का में दफन है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।